जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहां खालिस्तान के नारे सारे आम लगाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों के झंडे वहां घुमाए जा रहे हैं जिन्होंने 26 जनवरी पे पूरे देश को सरमसार लाल किले के साथ लाल किले में जाके वहां पे किया, जब उस ध्वज की जो है तोहीन उन लोगों ने वहां पे की। अब मैं बात करना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल साहब की। अरे साहब, कितना झूठ आप बोलते हैं, आपसे बड़ा झूठा इंसान मैंने नहीं देखा। एक चीज उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये टोटल 5% आपको दिखाया गया है। जिस समय आपको डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, जम्मू, जब इन एरियाज के बारे में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से पूरी बारात की बारात मार दी गई डोडा ठाठरी के अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाइयों, एक बहुत ही चर्चा का विषय जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी दिन से चल रहा है, जब से जो फिल्म जो एक आई है द कश्मीर फाइल्स, उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेटमेंट, अपनी बातें रखी, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये एक ऐसा सच है जिसको आने में 32 साल लगे, आज वो सच जो है पूरे देश के सामने, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आया। और इस सच को हमेशा से दबाने का काम कुछ लोगों ने किया, जिनको लगता था कि हमारा ये सच अगर बाहर आ जाएगा तो हमारी जो पॉलिटिकल दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, उन लोगों को बहुत ही मर्चे लगी। लेकिन मुझे उम्मीद उन लोगों से ये थी कि वो ये कहते कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूल जाओ, लेकिन इन फ्यूचर हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं, हम इस चीज़ का आपको भरोसा देते हैं कि ये चीज़ें फ्यूचर में कभी नहीं होंगी, यहाँ पे भाईचारा कायम रहेगा। लेकिन ऐसी बात उन्होंने नहीं की, उल्टा उन्होंने कहा कि ये फिल्म जहर फैलाने का काम कर रही है। लेकिन हमारे लोगों ने, जितने लोगों ने इस फिल्म को देखा, देश के लोगों ने इस फिल्म को देखा, आप देख रहे हैं वो थिएटर में बैठ के रो रहे हैं। और मैं एक चीज़ उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये टोटल 5% आपको दिखाया गया है। जिस समय आपको डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, जम्मू, जब इन एरियाज के बारे में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से पूरी बारात की बारात मार दी गई डोडा ठाठरी के अंदर, बरशाला के अंदर, कासिम नगर के अंदर, बहुत सारी ऐसी जगह मैं आपको गिना सकता हूं कि जहां पे टारगेट किलिंग किसी एक कम्युनिटी को पार्टिकुलरली टारगेट किया गया। तो अभी तो ये खाली 5% कश्मीर का दिखाया गया, जब ये पूरे जम्मू के बारे में बात होगी तो आपको इससे भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ये बिल्कुल निश्चय है। क्योंकि जिस हिसाब से आपने ये सब चीज़ें कही हैं कि जहर फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं, और मैडम आप लोगों से ये उम्मीद थी, मैं डिप्टी सीएम जो सीएम जो पीडीपी महबूबा जी हैं उन्होंने कहा कि जहर फैलाएगी फिल्म, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपसे लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि फिल्म के बाद आप ये बोलते कि जो चीज़ पास्ट में हो गई है उसको भूल दीजिए, लेकिन मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ कि इन फ्यूचर ऐसी चीज़ कभी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उल्टा उन्होंने भी जो राजनीति उनकी थी उसी हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन चलो, लोगों को फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ता है, लोगों ने सच को देखा, जिस सच को 32 साल से दबाया गया। अब मैं बात करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल साहब की। अरे साहब, कितना झूठ आप बोलते हैं, आपसे बड़ा झूठा इंसान मैंने नहीं देखा, आपसे बड़ा झूठा नेता मैंने नहीं देखा साहब। दिल्ली असेंबली के अंदर कश्मीर फाइल्स पे बात करते हुए आपकी वो हंसी, आपके वो ठहाके मारने, ये साफ दर्शाता है कि कितना प्यार आपको कश्मीरी पंडितों के साथ है, कितना दर्द आपको उन कश्मीरी पंडितों का है जिनको वहां से भगा लिया गया, घर परिवार जमीनें सब छोड़ के वहां से उनको भगाया गया। उन लोगों के ऊपर आप हंसने का काम असेंबली के अंदर कर रहे हैं। और उससे बड़ी हैरानगी मुझे तब हुई जब केजरीवाल साहब के पीछे उन्हीं की पार्टी के एमएलए हैं या क्या है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, वो भी हंस रही थी, वो भी ठहाके मार रही थी। और मुझे लगता है उन्होंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है। अगर उन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी होती, उनको पता लगता कि गिरजा टिकू कौन थी और किस तरह से उनको आरे के साथ बीच में से काट दिया गया था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, कम से कम हंसते नहीं, स्टेटमेंट बोल देते, यूट्यूब पे डाल दो जो भी आप बाकी स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन आपके जो ठहाके हैं, आपकी जो हंसी है, ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब, आप हमेशा से शाहीन बाग को सपोर्ट करते रहे,
हिंदुस्तान के अंदर जहां से भी देश विरोधी ताकतें उठी हैं, आप हमेशा से उनके समर्थन में खड़े होंगे। कभी राष्ट्रवाद की बात आप लोगों ने नहीं की है साहब। पंजाब में आप आए, बहुत चर्चा हो रहा आम आदमी पार्टी की लहर। अरे साहब, 5 स्टेटों में चुनाव हुए थे, यूपी में 70 सीटों पर आपकी जमानतें जब्त हुई है। यूपी की भी आप बात करिए ना, पंजाब में आप आ गए और पंजाब में आने के बाद वहां पे हालात कैसे हैं, वहां पे किस प्रकार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है पंजाब के लोग जाके किस किस तरह के वो झंडे ले रहे हैं, कौन कौन लोग उन झंडों पे हैं, आप देखिए कि कितना वहां पे डिस्टरबेंस इस समय चल रही है। और उनकी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप हिसाब लगा लीजिए उनकी सरकार आने के बाद वहां क्या काम हो रहा है। इनसे बड़ा ठग इंसान मैंने नहीं देखा। और एक और इनका झूठ मैं आपको बता दूं, इन्होंने आंदोलन के समय कहा था कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन आज ये राजनीति में है। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं, इनसे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं हो सकता। अब मैं बात करना चाहूंगा, पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहां खालिस्तान के नारे शारेआम लगाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों के झंडे वहां घुमाए जा रहे हैं जिन्होंने 26 जनवरी पे पूरे देश को शर्मसार लाल किले पे जाके वहां पे किया, जब उस ध्वज की जो है तोहीन उन लोगों ने वहां पे की। तो उन लोगों के समर्थन में ये आम आदमी पार्टी खड़ी होती है, हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ ये आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल साहब खड़े दिखते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, इनके वादे बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करेंगे, अरे साहब मुझे सबसे पहले एक चीज का आप जवाब दीजिए, नेशनल परफॉर्मेंस रेट में जो दिल्ली के जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस हैं, वो 32वें नंबर पे क्यों है? अगर आपकी एजुकेशन इतनी सही है, जम्मू में आपके नेता यही चीजें कह रहे हैं कि जाओ दिल्ली में जाके देखो। और मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों से कि एक बार जरूर आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव अगर वहां पे है, जरूर उनको फोन ज्वाइन होने से पहले जरूर उनको पूछें कि दिल्ली में क्या सिस्टम है एजुकेशन का, 32वें रैंक पे वो है। और मैं बताना चाहूंगा, दूसरी स्टेटों में आप झूठ फैलाने का काम आप लोग करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के काम करते हो। कश्मीरी पंडितों के आप लोग हमदर्द बनते हैं साहब। आज हर एक चैनल पे, टीवी चैनल पे बैठ के आप यही चीज कह रहे हैं कि मैंने कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट जो कश्मीरी टीचर्स हैं उनको मैंने परमानेंट किया। अरे साहब क्यों इतना झूठ बोलते हैं आप, बस करिए। और झूठ बोलने का आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना, वाकई ऐसा लेवल किसी का नहीं देखा हमने, जो जिस कॉन्फिडेंस से आप झूठ बोलते हैं साहब। 1993 से 1998 तक जो कश्मीरी माइग्रेंट्स उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया, उस समय सरकार भाजपा की थी। 2010 के अंदर जब इन लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दी कि भैया हमें परमानेंट किया जाए, उस समय जो सरकार वो कांग्रेस की थी। लेकिन 15 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है, उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के आर्डर को कि भैया हम इनको परमानेंट नहीं कर सकते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट जो टीचर उनको हम परमानेंट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने फिर दोबारा पिटीशन हाई कोर्ट में की जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर है, डबल बेंच ने फिर फैसला जो है कश्मीरी पंडितों के हक में सुनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कश्मीरी पंडितों के हमदर्द बन रहे हैं अब, उसके बाद जो टीवी चैनल्स पर जाके जो सफाई पेश कश्मीरी पंडितों के लिए कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार पे तमाचा मारा और कहा कि इनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। ये वो लोग हैं, लेकिन अब टीवी चैनल्स पे जाके जो है सफाई पेश करने का काम कर रहे हैं। मैं आग्रह यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता से करना चाहूंगा, इनकी बातों में मत आइए, ये गुमराह यहाँ के लोगों को करने का काम कर रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। ये हमेशा उन ताकतों को सपोर्ट करते हैं जो ताकतें हमेशा से देश को तोड़ने का काम करती है, ये उन ताकतों के साथ खड़े होते हैं। मैं यही चीजें आपको बताना चाहूंगा कि एक बार आप दिल्ली के किसी अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से पता कर लीजिए कि वहां पर क्या एजुकेशन का सिस्टम है, किस हिसाब से वहां पर सरकार चल रही है, कौन सी बिजली फ्री, कौन सा पानी फ्री मिल रहा है। आप एक बार जाके ये कर, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, ये लोग बिल्कुल भी किसी के हमदर्द नहीं है। इनका कुछ टारगेट है कि हमको ये टारगेट अचीव करना है, उसके लिए कितने प्रोपोगंडे ये तैयार करेंगे, कितने नहीं करेंगे, कितना झूठ ये बोलेंगे, अभी बहुत सारा झूठ बोलेंगे। कुमार विश्वास जी ने जब पंजाब के इलेक्शन उससे पहले कहा कि ये खालिस्तानियों के साथ जो है, खालिस्तानी जो लोग हैं उनके साथ इनकी मीटिंगें होती रही। तो अब आने वाले समय में और ज्यादा चीजें इनकी जो है खुल के सामने आएंगी, जनता को भी इनका जो है चेहरा जो है पता लग जाएगा और इनका झूठ जो है
बच्चे से बड़ी कसम मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है एक संसारी इंसान के लिए कि बच्चे की कसम मैं खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन आज ये राजनीति में। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार ये कंफर्म कर लीजिए कि ये किस प्रकार के लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं। और झूठी हमदर्द बने फिरते हैं लोगों के। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।